Morning students, today we are going to start the last lecture of this chapter, that is the periodic classification of elements. In this lecture we are going to discuss the electron gain enthalpy, electronegativity and reactivity of the elements in period. Okay, group mein hum sari cheeze discuss kar chuke hain. Now today we are going to discuss all these things in the period of the periodic table. First of all, electron gain enthalpy. Jo fir se bata do kya hota hai electron gain enthalpy? Wo energy jo absorb ho rahi hai ya release ho rahi hai jab last shell mein koi electron aake add hota hai. Jab hum electron add karate hain to last shell mein jo electron add hota hai to us time jo energy release hui hai ya absorb. Minus sign represent ki energy release hui hai aur plus sign represent ki energy absorb hui hai. Absorb kisi kis mein hoti hai? Inert gases, yani ki group 18 ke jo element hai उसमें प्लस में आती है, बाकी केसेस में सारे केस में आ रही है नेगेटिव में आ रही है. और जितना ज्यादा नेगेटिव है मतलब उसने ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है उसको. देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने ये पीरियड उठा कर दिया जो लाइट है बोलो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. लिथियम की जो एनर्जी है वो कितना है? -60 जूल किलो जूल पर मोल. इसका कितना है? -141 और यहाँ कितना है? -328. इट मीन्स ये डाटा अवेलेबल नहीं है. इट मीन्स हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, जब लेफ्ट से राइट में चलते हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन गेन द एंथैल्पी विल इंक्रीज नेगेटिवली. नेगेटिवली हम सिर्फ ऐसे करेंगे, मेन चीज हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है. ऐसा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होता चला गया है. साइज जितना छोटा हो जाएगा उतनी एनर्जी, उतना ही अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. जितना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो उसको एनर्जी रिलीज करेगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जैसे सपोज करो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो रखा है, ठीक है? तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. यानी कि क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं इसके कंपेरिजन में, तो इट विल अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. यानी कि जब शेयरिंग करता है वो एलिमेंट, तो शेयर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी तरफ खींच लेता है. और इस अट्रैक्शन की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड. साइज जो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई है, क्यों इंक्रीज हुई है सोचिए. यस बेटा, क्योंकि साइज छोटा होता चला गया है. साइज जितना छोटा होगा उसकी खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी. तो सबसे छोटा साइज इस पीरियड में किसका है? फ्लोरीन का. इसलिए सबसे ज्यादा कौन खींचने वाला है? इसमें अट्रैक्टिव पावर किसकी है? फ्लोरीन की है. देखिएगा, यहाँ से क्लियर भी हो गया डाटा से भी. और सबसे ज्यादा किसकी? लिथियम की. क्योंकि इस पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका है? लिथियम का है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी को ऐसा नहीं कह सकते ग्रुप में इंक्रीज हो डिक्रीज. पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैटर की बात कर रहे हैं या हम नॉन मैटर की बात कर रहे हैं. क्योंकि मैटर की रिएक्टिविटी अलग होती है और नॉन मैटर्स की अलग होती है. चलिए पहले सबसे पहले नॉन मैटर्स की देख लेती हूँ. नॉन मैटर सबसे पहले मैंने क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक उठा लिया. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयरीन एसिटामीन, ठीक है? मैंने ये एक ग्रुप उठा लिया. दिस इज ग्रुप, डाउन द ग्रुप. यानी जब हम नीचे चलते हैं तो ग्रुप और ऐसे चलते हैं तो पीरियड. तो ये ग्रुप है हमारा 17 ग्रुप है. अब इस कॉन्फिगरेशन इज 2, 5, 2, 8, sorry, 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 7, 2, 8, 8, 18, 7. लाइक दिस, इसमें 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, 5 शेल है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है. शेल्स नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है नीचे, ठीक है? यानी सबसे छोटा साइज किसका हुआ? फ्लोरीन का. नो, ये नॉन मेटल है. क्यों नहीं नॉन मेटल? क्योंकि इट हैज द कैपेसिटी टू टेक द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है. कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा? ये नहीं है. कौन जल्दी लेगा? ये जल्दी लेगा. क्यों लेगा ये जल्दी? क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करा रही है. लेकिन इसका साइज बड़ा हो गया है तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पर ही नहीं है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या खींचेगा? यानी कि सबसे ज्यादा जो खींचने की टेंडेंसी है वो किसके पास होती है? जिसका छोटा साइज होता है. मतलब लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा? जिसका साइज छोटा.
जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। अब क्योंकि साइज का साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, क्योंकि पीरियड का साइज डिक्रीज होता है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि मैटर के केस में कौन सा रिएक्टिव होता है जो जितना बड़ा होगा। आई समझ, जैसे सपोज तो मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करती हूँ, सो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इट्स कॉन्फिगरेशन इज 2H1 एंड दिस इज 2H1। इट हैज फोर शेल, इट हैज थ्री शेल। इसका साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा, ठीक है। अब साइज बड़ा होने से अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में कम हो गया, तो इसको अपनी आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। बट इसको निकालने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस भी थोड़ा पास हो गया है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी कि जितना दूरी होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, और जितना छोटा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। यानी कि मेटल के केस में रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द साइज, जो जितना छोटा है उतना ज्यादा रिएक्टिव है नॉन मैटर के केस में। लेकिन मैटर के केस में हम क्या देखें, कौन बड़ा है, जो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे मैंने यहाँ ग्रुप में लिया, अब इंपीरियड में ले लेती हूँ। मैटर का केस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ठीक है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है, उससे बड़ा सोडियम और देन पोटेशियम, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो भाग वाले शेल में अट्रैक्शन कम हो गया है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो गया है। यानी कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये निकलेगा, उससे कम आसानी से ये निकल सकता है, इसको और भी कम एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको और भी कम, उसको और भी कम, सबसे कम एनर्जी किसको निकालेंगे, फ्रांशियम को। यानी कि डाउन द रूट मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन अलोंग द पीरियड मेटल की रिएक्टिविटी क्या हुई है, डिक्रीज। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द रूट क्या हुई है, डिक्रीज। लेकिन इसके केस में देखते हैं, सबसे बड़ा साइज का हुआ ये नॉन मेटल, छोटा ही हुआ ये और भी छोटा हुआ, ये और भी छोटा हुआ, ये और भी छोटा हुआ, यानी कि ये सबसे छोटा हो गया इस पीरियड में। यानी कि ये सब मैटर्स है, ये सब मैटर्स है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन पीरियड में नॉन मेटल की एक्टिविटी इंक्रीज और मेटल ग्रुप में नॉन मेटल की एक्टिविटी डिक्रीज। वैसे मेटल में, मेटल के केस में अगर हम पीरियड में देखते हैं तो इट विल डिक्रीज, और एक ग्रुप में देखते हैं तो इट विल इंक्रीज। ओके बेटा, दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू द चैप्टर, यू हैव टू डू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आई विल सेंड द क्वेश्चंस।